विमान सेवा सफर करने के लिए तेज और आधुनिक साधन है। भारत जैसे विशाल देश के लिए यह बहुत उपयोगी है। सबसे पहले भारत में विमान सेवा की शुरुआत 18 फरवरी 1911 में हुई थी, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच 6 मील की दूरी तक विमान से डाक ले जाया गया था। हेनरी पिकेट ने एक हम्बर बाइप्लेन पर 6,500 डाक ले गए थे। इसे विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा माना जाता है। अगले साल दिसंबर में भारतीय राज्य वायुसेना ने लंदन कराची दिल्ली उड़ान शुरू की। यह भारत से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। इसको यूके के इंपीरियल एयरवेज के साथ भारतीय राज्य वायु सेवा ने शुरू किया था। 1915 और 1929 के बीच टाटा सन्स लिमिटेड की गतिविधियों की सुबुगाहट भी रही। रॉयल एयरफोर्स ने 1920 में कराची और मद्रास और कराची और बॉम्बे के बीच हवाई मेल सेवाएं शुरू की।